हेलो बच्चों, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ पर हमको मीडियन गिवन है कुछ डेटा का 137 और उसका मीन भी गिवन है 137.05। कह रहा है फाइंड द मोड, हमको मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। इससे तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू मीडियन। देखिए मीडियन कितना है हमारे पास 137 माइनस, और मीन देखेंगे तो मीन हमारे पास है 137.05। चलिए मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं, 3 समझा 21 करिए 9 9 तो 11 1 5 3 3 4 411 हो गया यहाँ पर, है ना। नाउ यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करा दीजिएगा तो ये कितना आ रहा है 137.05 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, 2 5 10 14 2 3 6 7 2 2। तो ये हो गया 274.10। इसको हम फाइनली सब्ट्रैक्ट करा देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। जो सब्ट्रैक्शन है देखो कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 10 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा मुझे लगता है 136.9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मोड मिल गया हमको इस तरीके से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये क्वेश्चन, अगर आ जाता है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल fx = x²-p x + 1 - c। एक पॉलीनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं एंड हमको एक रिलेशन यहां पर ये दिया गया है α+1 × β+1 = 0। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है ना तो पहले हम उसको उठा लेते हैं। fx जो हमको गिवन है कितना है x²-p x + 1 - c, ठीक है। ये हमको केवल इक्वल टू जीरो कर लेते हैं अगर अल्फा बीटा इसके रूट है। अब देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कराइएगा पी का अंदर, तो माइनस का पी एक्स माइनस का पी हो जाएगा माइनस का सी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, आप माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में हम इसको पी प्लस सी लिख देंगे इक्वल टू जीरो। इस मोमेंट पे आके आपको करना क्या है, आपको ए बी सी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो हम कंपेयर करा देंगे इसको, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब एक्स का कोफिशियंट देख रहे हो यहाँ पर बी है और एक्स का कोफिशियंट यहाँ पर माइनस का पी है, कंपेयर करा दिया हमने। एंड ये जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर वो है माइनस पी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी की वैल्यू को मैंने रख दिया है। अब हमको पता है अगर अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हम यहाँ पर दो एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं लाइक सम ऑफ रूट्स को। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी जो कि माइनस का पी है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अपॉन वन रखने का कोई फायदा नहीं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है पी। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं यानी अल्फा बीटा निकालते हैं, ये होता है कॉन्स्टेंट अपॉन है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी अपॉन ए। तो आप देखिए सी हमारे पास क्या है माइनस पी प्लस सी अपॉन ए करेंगे यानी ए की जगह वन रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास अल्फा बीटा आ गया बच्चों माइनस पी प्लस सी। ओके नाउ अब देखिए मेरे पास डेटा तैयार है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई है। अब मुझे गिवन है यहाँ पर एक सिनेरियो, कह रहा है कि α+1 × β+1 = 0। क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, वन इंटू बीटा बीटा, वन इंटू वन हो जाएगा वन। अब जरा थोड़ा सा बाज की नजरों से आपको देखना है, हेयर वी आर गेटिंग अल्फा बीटा द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर पी गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का पी प्लस सी मुझे गिवन है। What we are going to do? We are going
पुट द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशन. ओके, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा में हमको गिवन था माइनस पी प्लस सी. अल्फा बीटा यहां पर मुझे पी गिवन है प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं. माइनस का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे अंदर, तो ये माइनस का पी माइनस का सी बच जाएगा, हो जाएगा एड. ये प्लस का पी प्लस का वन ऐसे का ऐसे चलता है ना. आ रहे ना समझे. चलो अब देखो क्या होगा, माइनस पी से प्लस का पी हो गया कैंसिल, तो माइनस सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. एट लास्ट करना क्या है, सी को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या पॉजिटिव बन जाएगा. तो सी बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा. इस तरीके से देखिए सी की वैल्यू हमने डिटरमाइन कर ली एंड सी की वैल्यू वन आ गई है. एंड इन हियर ऑल द ऑप्शंस आर गिवन, तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो बराबर है, जो ऑप्शन होगा यानी वन, ये बराबर सही हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करना था आपको. यहाँ पर पता होना चाहिए सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या लगता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है. तो ये कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, रूट टू टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0.5 एंड माइनस 5.0 इज. ये चार ऑप्शन हमारे पास है. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि मेरे पास दो पॉइंट हैं. ठीक है, एक पॉइंट हम ए ले रहे हैं और एक पॉइंट बी. कोऑर्डिनेट गिवन इनके 0.5 एंड माइनस का 5.0. ओके, तो कह रहा है कि इसकी जो भी डिस्टेंस आएगी इसका रूट टू टाइम्स क्या होगा. तो बच्चों सबसे पहले तो देखिए फंड आपका क्लियर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ओके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम फिगर आउट कर सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम ना. चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. एंड यहाँ पर इसको असाइन कर देते हैं, ये एक्स वन है वाई वन है, ये एक्स टू है वाई टू है. अब क्या करेंगे, सिंपली कंपेयर करा के वैल्यू पुट करो. एक्स टू कितना है माइनस का फाइव, एक्स वन कितना है जीरो का होल स्क्वायर, वाई टू कितना है जीरो, वाई वन माइनस का फाइव का होल स्क्वायर. हाँ देखिए माइनस फाइव से जीरो माइनस करोगे माइनस फाइव ही आएगा, और माइनस फाइव का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो माइनस फाइव का और माइनस फाइव का यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे तो फाइव का स्क्वायर देखो यहाँ भी कितना हो गया 25 हो जाएगा. ठीक है, डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो गया है. ठीक, इसको थोड़ा सा अगर आपको पता है 25 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ यही कर देता मैं इससे अच्छा. तो 25 और 25 कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया 25. ठीक है, तो 25 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ रह जाएगा, 25 बाहर आ गया. ठीक है, चलो ये तो आ गया डिस्टेंस. अब वो आपसे क्या कह रहा था कि रूट टू टाइम्स ऑफ डिस्टेंस निकालिए. तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है इसका हम क्या करेंगे, रूट टू से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो करा दीजिए रूट टू, डिस्टेंस कितनी निकल गया ये 5 रूट टू. रूट टू से रूट टू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 5 टू जाए 10. तो देखो 10 यूनिट जो है हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन में करेक्ट है ये पहला वाला ऑप्शन. ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43. तो ये बोलता है कि इसको हम एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो इससे गंदा सवाल मैंने आज तक दे देंगे. ठीक है, और इस सैम्पल पेपर में अगर आया भी होगा तो लाइक क्या है कुछ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है. कोई भी दो नंबर आप एज्यूम कर लो, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ऑफ टू नंबर, तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना है एक्स प्लस वाई. 137 के बारे सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हो गया अगर हम एक्स माइनस वाई करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू द 43. हियर इट इज. अब ये कोई क्वेश्चन कर रहा है नहीं, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको दिखाना था. ठीक है, तो देखिए ये सी वाला ऑप्शन एक्स प्लस वाई 137 है, एक्स माइनस वाई 43 है. तो ये तो बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है. ऐसे क्वेश्चन की एमसीक्यू में है एक नंबर. चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x² + mx + n आर दिस एंड दिस. तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या ना m और n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि जीरोस अल्फा और बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो अच्छी बात है. सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्यूशन में लिख लेंगे हमारा
पॉलीनोमियल, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करा। अच्छा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये एक्स है, कंफ्यूज ना हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एन और एक्स में लाइक मिक्सअप हो जाता है। ना अब देखिए हम कंपेयर कर देते हैं इसको, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जो ए है वो वन हो जाएगा, जो बी है एक्स का कोफिशियंट है वो एम प्लस वन हो जाएगा, और जो सी है वो यहाँ पर एन है, तो मैं यहाँ पर उसको एन लिख दूंगा। देखिए अभी बोल रहे बच्चों कि इसकी जो रूट्स है हमें फोर एंड फाइव दिए गए हैं, तो रूट्स होते क्या है, अल्फा और बीटा। तो देखिए जैसे कि मुझे पता है कि अल्फा की वैल्यू फोर और यहाँ पर जो बीटा है हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइव ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, जो सम ऑफ रूट्स है ये होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। चलो सम ऑफ रूट, तो अल्फा की जगह रख देंगे फोर, बीटा की जगह रख देंगे फाइव, माइनस बी कितना है मेरे पास, बी है एम प्लस वन, तो रखते हैं आपको एम प्लस वन अपॉन ए, ए क्या है वन, तो डिनोमिनेटर में वन रखने का कोई मतलब है नहीं, चलो इसको सॉल्व कर दो, पाँच और चार हो गया नौ, ठीक है, माइनस का एम माइनस का वन। अब क्या करना है इस एम को यहाँ पे लाना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नाइन उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का नाइन और माइनस का वन यानी कि माइनस का टेन, तो मेरे पास देखिए एम की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर ली, निकल के आ गया ये। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे यानी अल्फा बीटा लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों अल्फा बीटा तो मुझे फोर और फाइव गिवन है, तो वी विल मल्टीप्लाई फोर एंड फाइव, एंड सी की जगह मुझे एम रख देना है और ए की जगह वन, तो वन में रखूंगा नहीं, डिनोमिनेटर में वन रख के हम क्या कर लेंगे ना। चलो तो एम कितना हो जाएगा, फोर फाइव का ट्वेंटी, तो जो मेरे फाइनल आंसर आ गए एम और एम की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस टेन और ट्वेंटी। जरा ऑप्शन में चेक कर लें तो बी वाला ऑप्शन देखो एम माइनस टेन एन ट्वेंटी ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो इस साल आपके पास नए तरीके कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, असर्शन एंड रीजन, ठीक है। ये वैसे तो गवर्नमेंट जो नौकरी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पर आते हैं इस तरीके के, अभी आपको भी आईडी स्पॉट को समझना है, होते बड़े आसान पर समझना है। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन गिवन है आपको, और इसका एक रीजन गिवन है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है उसका कारण ये है, ठीक है। देखो जरा कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है, आपको सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है 176, तो रेडियस कितनी आएगी 28 आएगी। अभी क्यों आएगी, जो इसका रीजन गिवन है, क्योंकि भैया सर्कमफेरेंस और रेडियस में रिलेशन है, सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2 पाई * रेडियस के 2 पाई r के, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन जो होगा, हाँ सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हमको वैसे 176 गिवन है, अच्छा होता क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 176, 2 पाई की जगह 22 अपॉन 7 रेडियस हमको फाइंड आउट कर लेनी है एक बार, वैसे गिवन है देख रहे हैं कि आर ये कितनी है 28, वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको जल्दी से, 11 से आएगा 2 टाइम 11 बन गया 11 11 6 जा 2 2 4 4 से आएगा 4 4 जा 16 7 4 जा 28, तो देखो 28 सेंटीमीटर आ गई, ये तो सब ठीक है, सर्कमफेरेंस 176 दे दी गई थी तो रेडियस आ गई 28 सेंटीमीटर। इसका यहाँ पर तो कुछ हाई नहीं था आसान, यहाँ पर सब देखना है आपको कि ऑप्शन कौन सा सही लगाना है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, वो आपसे ये बोल रहा है कि देखो असर्शन भी सही है तो सही है, वेरीफाई करके देख लिया हमने कि अगर सर्कमफेरेंस 176 आएगी तो रेडियस कितनी आएगी 28 सेंटीमीटर, तो असर्शन सही है पूछेगा, तो असर्शन क्या है हमारा, असर्शन भी सही है एंड रीजन उसका रीजन देखो क्या निकल के आ रहा है 2 पाई r, तो 2 पाई r जब हमने लगाया 176 तब रेडियस हमें इतना मिला, तो रीजन भी सही है और रीजन मतलब सर्कमफेरेंस होते 2 पाई r है तो ये भी सही है, ठीक है। और कह रहा है कि ये इसकी गुड एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस पर अभी अपन बात करेंगे कि कह रहा है कि ये जो रीजन है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, ठीक है। चलो इसको अभी देखते हैं, इधर देखो जरा बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, तो यहाँ पे हमारे पास
क्वेश्चन और इधर दोनों ही ट्रू है। तो देखो ये अपन ने पहले इसको बात कर दी कि हाँ ये दोनों ही हमारे सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रीजन है 2πr ये assertion के लिए ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो अभी इस पर अपनी बात करेंगे। अच्छा ये दो देखो कह रहे हैं assertion ये is true, तो ये बात सही है, assertion तो सही है। कह रहे रीजन फॉल्स है, क्योंकि देखो ये तो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि उनको पता है कि circumference का फॉर्मूला 2πr होता है, तो रीजन गलत नहीं है, 2πr ही फॉर्मूला होता है, तो ये तो कहीं से भी चर्चा में नहीं आता, इसको निकालो। assertion is false बट रीजन इज ट्रू, assertion क्या है फॉल्स है, नहीं फॉल्स नहीं है, देखिए हमने इसको वेरीफाई किया हुआ है, तो ये भी गलत है। अब बात हो गई इन दोनों की, तो देखो assertion एंड रीजन इन दोनों ही ऑप्शन में कह रहे हैं ट्रू है, लेकिन वो कह रहा है कि जो ये रीजन है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है सेकंड ऑप्शन में। देखो बच्चों अगर 2πr में लगाता और 176 circumference रखने पे अगर रेडियस मुझे 20 नहीं मिलती, तब हम कहते हैं कि जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सॉरी बी भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही सही है कि assertion अगर हमको ऐसा डेटा गिवन है कि 176 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस की रेडियस 28 होगी बाय दिस रिलेशन, इस रिलेशन पर जो हमने पुट किया है, इस रिलेशन के अनुसार हम जब सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तब हमको ये डेटा मिल रहा है, यानी कि assertion और रीजन तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है ना इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ये वाला सही होगा। तो थोड़ा सोच समझ के आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा ईजी आएगा बट यहाँ पर इसको सेलेक्ट क्या करना है, तो दैट इज अ चैलेंज, ठीक है, उसको अच्छे समझना है। तो अच्छा क्वेश्चन आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और assertion और रीजन के क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट ए assertion है, क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर आप जानते हो जो कि p / q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते या फिर जो अंडर रूट के अंदर स्टक रहते हैं, ठीक, जो अंडर रूट के अंदर स्टक रहते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। यहां पर स्टेटमेंट b रीजन हमको गिवन है, अच्छा इसका रीजन क्या करेंगे, इफ b अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट b इज एन इरेशनल नंबर। देखिए प्राइम नंबर यहां पर कह रहे जो p है अगर वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, है ना, तो अगर कोई नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल है वो अंडर रूट के अंदर है तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता कभी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे √3, तो देखिए ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट से बाहर आने के लिए हमें यहाँ पर पेयर की आवश्यकता पड़ती है, और अगर मैं करूँगा इसको 3 3 9, तो 9 तो क्या है एक कंपोजिट नंबर है, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर जो कि एक प्राइम नंबर होगा और उसको हम अंडर रूट में डाल दें तो क्या बन जाएगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, यानी कि हमारा जो assertion है √2 एक इरेशनल नंबर है, ये बिल्कुल है, ये होता है, और दूसरा वो उसका रीजन बोल रहा है कि अगर p हमारे पास एक प्राइम नंबर है ऑर्डर p, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, तो ये बिल्कुल ये भी सही है, रीजन भी सही है। अब देखिए यहां पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो ये सही है कि बेटा ये भी सही है, क्यों सही है, क्योंकि बोल रहा है कि ये जो p है या जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू पुट करी गई है दिस शुड बी अ प्राइम नंबर, और जो 2 होता है 2 एक प्राइम नंबर होता है, और 2 जो है अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है, एंड ये सबसे लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन इसके लिए यानी इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है ना, तो ये बात भी सही है। तो अब आप ऑप्शन नहीं देखो, बोथ assertion ए एंड रीजन दोनों के दोनों ट्रू है, एंड जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए की, तो ये वाला आपका सही होने वाला है, अदरवाइज बाकी के जितने भी हैं वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो कोई कह रहा है कि assertion ए और रीजन आर दोनों सही है लेकिन रीजन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। और ये तो देखिए कह रहा है assertion ए ट्रू है बट रीजन आर फॉल्स है, नहीं मैंने बताया रीजन भी सही है और assertion भी सही है, तो ये तो वैसी पिक्चर में नहीं आते हैं, और इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचकर आराम से assertion और रीजन के क्वेश्चन को करना है, आता बड़ा सिंपल है, बस आपको समझना है चीजों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।